तो यार अभी तक ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है वो मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर अभी तक फ्री फायर में नहीं है जिसमें एक ही साथ तीन एबिलिटीज और वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हो। मतलब हम लोग यहाँ पर एक बार बस सिर्फ बटन को दबाना है, उसने ऑटो एनिमी को डिटेक्ट करना है, उसकी मूवमेंट स्पीड माइनस कर देनी है, उसका फायर रेट माइनस कर देना है और साथ में उसको डैमेज भी 35 का दे देना है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, दिस इज मी आरकेजी ज़ैकी। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे होमवर्क कैरेक्टर के। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं भाई, ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैं एबिलिटी टेस्ट और पूरे के पूरे डिटेल इसकी बता दूंगा। और इस कैरेक्टर को यूज़ करने के बाद आपको कोई भी और कैरेक्टर यूज़ करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि आपका यही फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। और बात करते हैं भाई यहाँ पर हमारे मीशा डिलक्स की, तो यार वो भी हमारे पास आ चुके हैं और इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो जो हूँ अपलोड करूँगा कुछ देर में, मतलब इस वीडियो के बाद मैं एडिट करके उसको भी अपलोड फौरन से कर दूंगा। तो आप लोग वो भी वीडियो देखना और बताना कि आप लोगों को वो भी कैरेक्टर कैसा लगा। मुझे तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज अच्छी लगी हैं डिलक्स की। और यार यहाँ पर बात करते हैं हमारे कुछ इवेंट्स की होमवर्क कैरेक्टर का रिव्यू करने से पहले। तो यार अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और मेक श्योर आपने बेल आइकन जो अपना ऑल पर सेट किया हो। तो यार यहाँ पर जो सबसे पहले बंडल्स की बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर रेव स्केटर बंडल जो है वो आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बंडल है, आप लोगों ने पहले से देख रखा होगा, बट मुझे ये बंडल पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा। और यहाँ पर जो है भाई आप लोग देख सकते हो गेमर बंडल, मतलब सुपर गेमर बंडल, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। तो यहाँ पर भाई एक और इमोट भी है, मैं आप लोगों को अगर इमोट दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो भाई ये वाला इमोट जो है ये WWE में, मतलब स्मैकडाउन में भी मैंने मोस्टली ये देखा था। वहाँ पर जो है रेसलर जब एक दूसरे को पटक के मारते थे भाई वो वाला इमोट है, और उसका नेम भी सिट डाउन है, मतलब नीचे बैठे तो भाई उठना नहीं है तुमने। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई, ये मेरा फेवरेट इमोट होने वाला है। तो आप लोग बताना ये वाला इमोट आप लोगों को जो है वो कैसा लगा। जो यहाँ पर जो है हम लोगों ने हमारा कैरेक्टर जो है वो अनलॉक कर लिया है और इसके कॉस्ट्यूम को जो है वो भी एक्वाइव कर लिया है। तो इसकी एबिलिटी की सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूँ और बताऊँ भाई डिटेल में, तो यार ये सबसे करीब में जो एनिमी होगा, मतलब अगर एक स्क्वाड में लड़ रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आगे एनिमी होगा और 100 मीटर के रेडियस के अंदर होगा। तो यार ये जो है हम लोग इसके एबिलिटीज को अनलॉक करेंगे जैसे ही, मतलब इसका बटन दबाएंगे तो उसमें से जो है एक ड्रोन निकलेगा और वो जो ड्रोन है वो सीधा एनिमी के ऊपर जाकर लगेगा जो हमारे करीब होगा सबसे ज़्यादा। तो उसके जो है ये करेगा क्या भाई, कि स्टार्ट में तो ये जो है उसकी 10% तक स्पीड कम कर देगा और फायर रेट भी 10% तक कम कर देगा। बट ये लेवल 1 है और आप लोगों को पता है लेवल 1 में कमी होता है, बट जिस तरह ये बढ़ता जाएगा उसी तरह इसकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब मूवमेंट स्पीड जो है ये 60% तक कम कर देगा और इसी तरह जो है 30-40% तक ये जो है उसकी फायरिंग स्पीड कम कर देगा और एनिमी को डैमेज भी मिलेगा। मतलब जैसे ही वो ड्रोन जो है एनिमी के ऊपर जाके ब्लास्ट होगा तो एनिमी को 1 सेकंड में ही, मतलब 25 का या 35 का डैमेज मिलेगा और उसके साथ ही जो है उसकी स्पीड, मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड जो है दोनों के दोनों कम हो जाएंगी और ये 100 मीटर के रेडियस के अंदर काम करता है। तो आइए भाई अभी आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ गेम के अंदर और गेम प्ले में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसकी पूरी एबिलिटी और आप लोग यहाँ पर देखना। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं कहूँगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जो वो भी अपना और पर सेट कर देना। और इस वीडियो का 500 लाइक टारगेट टाइम है तो जल्दी से 500 पूरे कर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मीशा के ऊपर अपलोड कर दूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई मैंने पूरे का पूरा कैरेक्टर जो है वो अपग्रेड कर लिया है। तो अभी इसको लेकर चलते हैं गेम में। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर के मेरे सामने एक एनिमी खड़ा है और मैंने जो है उसके ऊपर इसकी एबिलिटी जो है वो अनलिश करने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी एबिलिटी को टच करता हूँ तो यहाँ पर एक ड्रोन मेरे इर्द गिर्द घूमता है, वो ऑटोमेटिकली, मतलब बस मुझे टच करना है और ये सबसे मेरे करीब एनिमी है तो उसके ऊपर जाके ये ब्लास्ट हो जाता है कुछ इस तरह से और उस एनिमी की जो है हेल्थ भी कम करता है और मूवमेंट स्पीड भी। अभी तो ये आप लोगों ने मेरी वाली साइड से देख लिया, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये एनिमी वाली साइड से तो वहाँ से कैसा लगता है। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो भाई जैसे ही मैंने एनिमी वाली साइड से आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर से ड्रोन जो है उसको मैंने टच किया और देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा स्पीड जो है वो मूवमेंट कम हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड हो जाती है मूवमेंट स्पीड और ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसका जो है वो फायर रेट, मतलब वो किस तरह कम होता है। तो यार आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने जैसे ही ड्रोन को जो है वो अनलिश किया तो यहाँ पर जो है फायर रेट आप लोगों को पता उल्जी का कितना ज़्यादा है, बट वो भी स्लो हो गया, हम लोग को डैमेज भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिखने लग गया था और साथ में मूवमेंट स्पीड जो जॉयस्टिक से की वो भी कितनी ज़्यादा स्लो हो गई थी, मतलब पूरे के पूरे स्लो मोशन में चलने लग गया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई इस कैरेक्टर की एबिलिटी जो है बाकी कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब अगर हम लोग फाइट कर रहे हैं किसी रेंज में तो वहाँ पर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा करीब में एनिमी है, मतलब एटलीस्ट ऐसा होता है अक्सर हम शॉर्ट रेंज में एनिमी को काफ़ी डैमेज दे देते हैं बट एनिमी हमसे नॉक नहीं होता है तो हम उधर से अपनी एबिलिटी को जो अनलिश करते हैं और एनिमी जो है भाई वो हमें नॉक कर दे बट एनिमी की हेल्थ जो है वो भी नॉक हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर मजे की बात यह है भाई मूवमेंट स्पीड एनिमी की कम कर देता है, साथ में भाई फायर रेट कम कर देता है एनिमी का, एनिमी को 35 डैमेज देता है
तो ये एक बहुत ओवरऑल मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस किया जाए तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है, मतलब हर एक लिहाज से इसमें एक ही करेक्टर में तीन अबिलिटीज है, मतलब वो एनमी की स्पीड स्लो करता है, एनमी को 35 डैमेज देता है और साथ में एनमी को देता है भाई ये जो मूवमेंट स्पीड स्लो फायर रेट भी कम। तो यार ये कौन सी अबिलिटी अच्छी है आप लोग खुद बताना। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैं तो ये आज अभी इसी वक्त से जो ये यूज़ करना शुरू किया हुआ करेक्टर और मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो यार आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक कमेंट जरूर बनता है भाई, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में वीडियो को लाइक कर देना 500 लाइक जो है वो कर देना इस वीडियो पे, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को भाई नेक्स्ट वीडियो किस करेक्टर पर चाहिए रिव्यू की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।